वैसे तो 2 अक्टूबर को देश भर में अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जन्म जयंती को हम धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर का दिन आज भी उत्तराखंड के इतिहास में काले दिनों के रूप में जाना जाता है। पता है क्यों? चलिए आगे बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं योगेश भट्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क। आज से ठीक 29 साल पहले 1 अक्टूबर की रात में उत्तराखंड के लोगों के साथ दमन और अमानवीयता की ऐसी हदें पार हुई थी कि 1 और 2 अक्टूबर इतिहास के काले अध्याय के रूप में छप गया। यह वो दौर था जब आंदोलनकारी उत्तर प्रदेश से अलग पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की मांग कर रहे थे। उस वक्त बाड़ी मुडवा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे जैसे नारे हवा में तैर रहे थे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की आग तेज हुई और पहाड़ ने मुझे वोट नहीं दिया कहने वाले नेता कुछ ही पल में जनता के लिए खलनायक बन गए। आंदोलन को दिल्ली तक ले जाने के लिए 1 अक्टूबर को कुमाऊं और गढ़वाल से 24 बसों में सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली कूच करने के लिए रवाना हुई। पहले इन्हें रुड़की के नारसन बॉर्डर पर रोका गया, लेकिन जत्था आगे बढ़ा तो पुलिसकर्मियों ने आंदोलनकारियों को रामपुर तिराहे पर रोकने की तैयारी कर ली। 1 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों और पुलिस में कहासुनी हुई। इतना ही नहीं, नारेबाजी और पथराव भी शुरू हो गया। इस पथराव में तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह भी घायल हो गए। इसके बाद यूपी पुलिस ने क्रूरता से लाठीचार्ज किया और करीब 250 आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया। इसी झड़प के बीच कथित तौर पर पुलिस पर महिलाओं के साथ छेड़खानी और रेप के भी आरोप लगे, जिसके बाद कई सालों तक न्यायालय में मुकदमा भी चला। इस बर्बरता के बीच स्थानीय लोगों ने महिलाओं और आंदोलनकारियों को अपने घरों में शरण दी। इधर खबर सुनते ही देर रात 3 बजे करीब उत्तराखंड से 40 बसों से फिर आंदोलनकारी रामपुर तिराहे पहुंचे तो फिर झड़प शुरू होगी। हालांकि 2 अक्टूबर 1994 के दिन मामला ज्यादा संघर्षपूर्ण स्थिति में पहुंच गया। इसमें यूपी पुलिस ने करीब 24 राउंड फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों की जान चलेगी और 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। आइए जानते हैं रामपुर तिराहा कांड में किन लोगों ने गवाई थी अपनी जान। देहरादून नेहरू कॉलोनी निवासी रविंदर राउत उर्फ गोलू, भालावाला निवासी सत्येंद्र चौहान, बद्रीपुर निवासी गिरीश भद्री, अजबपुर निवासी राकेश लखेड़ा, ऋषिकेश निवासी सूर्यप्रकाश थपलियाल, ऊखीमठ निवासी अशोक कुमार, भानियावाला निवासी राजेश नेगी। रामपुर तिराहा कांड के बाद आंदोलनकारियों का अलग पहाड़ी राज्य आंदोलन जोर पकड़ गया। 6 सालों तक चले लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य उत्तराखंड बना। इस रामपुर तिराहा कांड में कई पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों पर FIR भी दर्ज हुई। साल 1995 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI जांच के भी आदेश दिए। रामपुर तिराहा कांड के घाव आज भी उत्तराखंड के लोगों को सन्न कर देते हैं। इस कांड में 2 दर्जन से अधिक पुलिस वालों पर रेप, डकैती, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसे मामले दर्ज हुए। साथ ही CBI के पास सैकड़ों शिकायतें भी पहुंची। इसके बाद साल 2003 में फायरिंग के मामले में तत्कालीन DM अनंत कुमार सिंह को नामजद किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1 पुलिसकर्मी को 7 साल जबकि 2 अन्य पुलिसकर्मियों को 2-2 साल की सजा सुनाई। वहीं 2007 में तत्कालीन SP को भी CBI कोर्ट ने बरी कर दिया और फिर मामला लंबित रहा। रामपुर तिराहा कांड को लंबा वक्त बीत गया और राजनीतिक तौर पर पार्टियां एक दूसरे दलों पर आरोप लगाती रही। हालांकि रामपुर तिराहा कांड और 2 अक्टूबर का दिन उत्तराखंड की मांग करने वाले राज्य आंदोलनकारियों के लिए काला अध्याय साबित हुआ। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर हुए कांड को याद कर लोग आज भी सहम जाते हैं। आइए हम लोग भी रामपुर तिराहा कांड के शहीद हुए इन आंदोलनकारियों को नमन और वंदन करते हैं, जिनकी शहादत के कारण हमें अलग राज्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।